जितने भी नीट एस्पिरेंट होते हैं उनको ना फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा खौफ रहता है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको केमिस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरी खुद की सिस्टर जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही है उसको फिजिक्स में काफी अच्छे स्कोर आ जाते हैं बट उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं इंप्रूव हो पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है ना कि लाइक बहुत कम नंबर आ रहा है, 30-40 के आसपास नंबर आ रहे हैं, वो क्या करे कि अभी लास्ट के 30 डेज में उनके मार्क्स 120 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच पाए। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम दिनों में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओ। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी चीजें बताने वाली हूँ वो सारी चीजें मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया है एंड मेरे से जो लोग भी पूछते हैं मैं उनको ये सारी चीजें जरूर बताती हूँ। बहुत छोटी छोटी सी बेसिक ट्रिक्स है जिसको आपको यूज करना है अगर आपके मार्क्स स्टक हो गए, केमिस्ट्री में इंक्रीज नहीं हो पा रहे एंड आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि क्या करें कि हमारे मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर इंप्रूव हो पाए इस लास्ट 30 डेज में। देखो दिन बहुत कम है आई नो एंड इसमें इंप्रूव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, अपने आप पे काम कर पाना, लेकिन अगर आप डिटरमिंड हो कि नहीं मुझे करना ही एंड मुझे 120 के अप्रोक्स पहुंचना है तो आप कर सकते हो। पीछे आपने जो भी अपना टाइम वेस्ट किया उसको भूल जाओ एंड बाकी का अभी जितना दिन बचा ना लास्ट का 30 दिन इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का सोचो। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों जो होता है ना वो 60-60-60 मार्क्स के आते हैं, वो ना टोटल 180 नहीं लाना है एंड अभी से पॉसिबल भी नहीं है इतने मार्क्स स्कोर कर पाना, लेकिन एक मतलब होता है ना कि 100-120 के अप्रोक्स पाना ये अभी भी पॉसिबल है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके मार्क्स 100-120 तक आ रहे होंगे एंड वो अभी से अपने मार्क्स 160-170 तक ले जाना चाहते हो, तो उनके लिए भी अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से इम्पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी पढ़ाई की थोड़ी जो स्ट्रैटेजी उसको चेंज करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो एंड कहां पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, कौन सा हाई वेटेज वाला चैप्टर है जिसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको देखना है एंड इस पे काम करना है। न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं लेकिन वो आपके नीट 2024 में पूछे जाएंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए ना आप एमटीजी का नीट प्लस सप्लीमेंट बुक ले सकते हो, क्योंकि इस बुक में आपको उन सारे एडिशनल टॉपिक्स को बहुत ही समराइज वे में एंड बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे उन सारे एडिशनल टॉपिक्स का आपको नोट्स में मिल जाएगा ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ पाओ एंड उन सारे टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करा गया है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उन सारे टॉपिक्स। इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के जो भी एडिशनल टॉपिक्स है उनको इंक्लूड करा गया है एंड स्पेशली केमिस्ट्री में बताऊँ तो एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस भी इस बार पूछे जाने वाले हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करा गया है ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ एंड कहीं से भी कुछ भी ना छूटे। तो इस बुक को आप जरूर ले लेना ताकि आप एडिशनल टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लो एंड उन पे भी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप नीट 2024 के लिए अपने आप को रेडी कर पाओ। तो अगर आप इस नीट प्लस सप्लीमेंट बुक को लेना चाहते हो तो मैंने इसके लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं आपको वही छोटी छोटी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप इग्नोर कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देखो 30 दिन है आपके पास, तो आपको ना पहला जो 20 दिन है इसमें आपको जो भी आपने नहीं पढ़ा है या जो भी हाई वेटेज वाला चैप्टर है जो आपसे छूट गया आपने नहीं पढ़ा अभी तक वो आपको कंप्लीट कर लेना है एंड हाई वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर है वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वो सब भी देख लेना एंड उनको ही सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना जो अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, लाइक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ये चीज बता रही हूँ। और बाकी का जो 10 दिन बचेगा ना, बाकी का जो लास्ट का 10 दिन रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपने जो भी पुराना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करते रहना है जितना हो पाए एंड मॉक टेस्ट लगाना है। वो सबसे पहले जो पहला 20 दिन है उसमें आप वन डे वन चैप्टर अगर करो तो आप अभी से 20 चैप्टर पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंदी है एंड आप एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप डिटरमिंड हो, अगर आप अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, 14 घंटे पढ़ो अभी से, तो आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और इस तरीके से आपको 20 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 20 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको इतने नहीं करने हैं, आपको अभी से सिर्फ 12 चैप्टर करने हैं अगर आप 120 तक अपने आप को पहुंचाना चाहते हो। तो 12 चैप्टर कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ एंड आपको कितने टाइम देने हैं पर चैप्टर को वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। देखो आपको 20 दिन आपको मिल रहा है 20 दिन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए एंड आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, आपको 12 चैप्टर करने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो कि आपको कंप्लीट करना है, जो कि आपको पढ़ना है, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री को लेकर सीरियस हो रहे हो, तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक चैप्टर अगर आपको ये नहीं
आया तो आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप कहीं से भी पढ़ लो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, इवन पीडब्ल्यू के क्रैश कोर्सेज भी है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, आपको जिसका अच्छा लगे आप जाके देख सकते हो। आपका ये चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप बैठ के 5-6 घंटे इसको दे देते हो तो। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग जो कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो आप ये वाला चैप्टर एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको 2 दिन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। मैं सबसे पहले आपको वो सारे चैप्टर बता रही हूँ जो कि इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स इजी भी है एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है या इनऑर्गेनिक की तरह कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि रिएक्शन कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन है, रट के भी जाओगे, याद करके भी जाओगे तो आपके पूरे के पूरे 60 के 60 आप मार्क्स ला सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। तो आपको इनऑर्गेनिक में जितने चैप्टर है ना वो सारे पढ़ने हैं। पी ब्लॉक जो है इसको आपको 2 दिन देना है क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा चैप्टर है। डी एंड ए ब्लॉक भी है, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इसको भी आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप 1 दिन दे सकते हो। ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है ना उसमें जीओसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीओसी ही बेसिक है। अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं बना पाओगे, आपका बेस अच्छे से नहीं रहेगा तो आगे का ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो जीओसी को 3 दिन देना है, 3 दिन में आप इसके सारे जितने भी चीज है ना, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से समझ के आप पढ़ सकते हो। तो जीओसी को 3 दिन दे देना। उसके बाद हाइड्रोकार्बन आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेना। अल्कोहल फिनॉल इथर वाला जो चैप्टर है ये भी करना है आपको क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप 2 दिन दे सकते हो। अमाइन वाले चैप्टर को आपको 1 दिन देना है। बाकी जो ऑर्गेनिक का चैप्टर बचा ना, एल्डिहाइड कीटोन, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको फुल नहीं स्कोर करना है और यहां से फुल जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप 0 से डायरेक्ट 160-170 अभी पहुंच पाओ अभी के टाइम में, तो वो चैप्टर स्किप कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल कर लेना क्योंकि ये इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है एंड इसका जो शॉर्ट नोट है ना एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम मेडिको शानली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो एंड सिर्फ वो एक पेज पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा एंड क्वेश्चन उसी पेज से आने वाला है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट करने हैं आपको फिजिकल में क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसको आप 2 दिन दे देना एंड उसके बाद सॉल्यूशन कर लेना है। मोल कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्यूशन करने के बाद मतलब इसको 2 दिन दे देना, इस तरीके से आपका मतलब 20 से 21 दिन में ये पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप 1 day 1 chapter के ये वाले कॉन्सेप्ट से चलते हो तो। तो इतने चैप्टर आपको करने हैं, सिर्फ इतने ही करने हैं 120 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। इनऑर्गेनिक में ना लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मेडिको शाली से ये टेलीग्राम, वहां पे आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक के लगभग सारे चैप्टर्स के, तो वो जाके देख लेना आप एक बार। एंड उसके बाद आपको यूट्यूब के वीडियोस देख लेने हैं जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हो एंड वो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला सेशन आपको जरूर अटेंड करना है, आपका बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको इंटेक्स के क्वेश्चंस कर लेने हैं स्पेशली इनऑर्गेनिक के अंदर क्योंकि इंटेक्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड जो भी आपके कॉपी वाले क्वेश्चंस है अगर आपने कहीं से भी चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स नहीं भी लिखते हो चलेगा, आपको उसका पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा जो भी आपका क्लासरूम का नोट्स होगा उसका, तो उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बस इतना कर लेना आप इनऑर्गेनिक के अंदर, आपके इनऑर्गेनिक में टोटल जितने भी मार्क्स के आते हैं ना 60 मार्क्स, आप 60 out of 60 ला सकते हो इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आपने इस पे अच्छे से कमांड कर लिया जितना मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में ना आपको मेनली क्या करना है, आपको ध्यान देना है नेम रिएक्शन के ऊपर क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिएजेंट के नाम बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन तीनों चीज का अगर आपके पास चार्ट है ना तो आप डेली का डेली इसको रिवाइज कर सकते हो, तो ये थोड़ा आपके दिमाग में छप सा जाएगा एंड क्वेश्चन आता है तो इजिली सॉल्व कर लोगे। तो इसका चार्ट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, नेम रिएक्शन का, ये टेस्ट का, सबका चार्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है सारे चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि मैंने खुद के प्रिपरेशन के टाइम पे खुद के लिए बनाया था, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से जाके देख लेना। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बैक एक्सरसाइज नहीं करो चलेगा लेकिन इंटेक्स के जरूर कर लेना, कॉपी के क्वेश्चंस कर लेना, यूट्यूब वीडियो वाले सेशन देख लेना जहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इतना कर लेना है आपको। मतलब अगर आप क्वेश्चन ज्यादा लगाओ ना 30 दिन में तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करने का कोशिश करो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि देखो सिर्फ रिवीजन के लिए बैठोगे ना तो आपका टाइम भी जाएगा और
उतने अच्छे से मतलब एक्टिवली रिवाइज नहीं कर पाते। अगर आप क्वेश्चंस के हेल्प से रिवाइज करोगे पूरे चैप्टर को तो दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपका पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी आपको पता लगेगा, एंड दूसरा चीज कि आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला सीट जरूर बना लेना है। अगर आप दो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जो भी मैंने दो चैप्टर को बताया है, सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट, उन दोनों चैप्टर के आपके पास फॉर्मूला सीट होने चाहिए। एंड उसको आपको डेली रिवाइज करना है कि अगर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो गलत ना हो। उसके अलावा आपको YouTube वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, वो सारे सेशन अटेंड कर लेने हैं जहां पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बस इतना ही करना है, आपके 120 आराम से आ सकते हैं। थोड़ा अपना मोराल भी बूस्ट करते रहो कि मतलब अगर हम निगेटिव ही सोचते रहेंगे ना तो हमारे साथ निगेटिव ही होगा। आपको अपने अंदर से भी मतलब अपने तरफ से भी पॉजिटिविटी को देखना पड़ेगा, उसको मतलब सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि नहीं मेरा भी हो सकता है, इतने लोग कर पा रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड PYQs को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर चैप्टर के साथ जैसे आप हर चैप्टर को कंप्लीट करोगे उसके बाद मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन जो PYQ वाले क्वेश्चन है वो क्लासरूम में ही करा देते हैं, बट अगर वो नहीं करा रहे हैं तो आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं PYQs के। एंड मॉक पेपर आपको जरूर लगाना है, जितना हो पाए आप मॉक पेपर लगाओ। डेली नहीं होगे तो एक दिन छोड़ के जरूर लगाना। मॉक पेपर अगर नहीं दोगे ना तो इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मॉक पेपर से बहुत सारी चीजें आपको पता लगती है, अपने मिस्टेक्स पता लगते हैं आपको, बबलिंग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ये पता लगती है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है, ओएमआर कैसे भरनी है, बबलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का आपको पता लगता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मॉक टेस्ट भी ढेर सारे लगा लेने हैं। तो इतना फॉलो करो, आप जरूर ला सकते हो। तो बहुत सारे लोग अगर कर पा रहे हैं और करते भी है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसा सोचो। एंड सब कर रहे हैं तो मैं भी जरूर कर लूंगा। एंड बस एक लास्ट 30 डेज है जिसमें अपने आपको बूस्टअप करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। एंड बस 30 दिन है, इसके बाद अगर आप बहुत ही अच्छे से इसमें मेहनत कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही मतलब किस तरीके से चेंज होगी आप खुद सोच के देखना। मतलब वो डॉक्टर वाली फीलिंग एंड सब चीज मतलब पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज जाता है। तो थोड़ा आपको अपने तरफ से भी फुल पोटेंशियल के साथ मेहनत करते रहना है। सो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, आइडिया लगा हो कि आपको किस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अभी चलना है लास्ट के 30 डेज में। एंड कुछ भी और डाउट लगे और कुछ भी पूछना चाहते होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।